नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई फ्रेश वीडियो में। आज मैं बताऊंगा शाओमी के फ़ैन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर। क्या आपको पता है शाओमी के प्रोडक्ट्स क्यों बिके जाते हैं बहुत सारे, और वो भी कम दाम में, और वो भी बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ और फीचर्स के साथ। तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए, मैं बताऊँगा इसके पीछे का राज, ताकि शाओमी क्यों बनाती है इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बहुत ही कम दाम में। वेलकम टू डिजिटल नेटवर्क। तो सबसे पहले है शाओमी। शाओमी का अभी नाम बोले तो सब जानते हैं, एम आई है, रेडमी करके है, कुछ लोग शाओमी करते हैं, कोई एम आई तो कोई मी। एक्चुअली मी एक प्रोनाउंसिएशन अच्छा है दोस्तों, बराबर है। आप जानते हैं एम आई के बहुत सारे फ़ोन से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मी नोट 5 प्रो, मी वाई 2, मी नोट 4 वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे फ़ोन मार्केट में है दोस्तों। लेकिन इसका ज़्यादा बिकने का कारण क्या है? आपने नाम सुना होगा स्नैपड्रैगन क्वालकॉम प्रोसेसर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम प्रोसेसर। तो ये क्वालकॉम प्रोसेसर क्यों है और क्या है, तो इससे पहले मैं बता देता हूँ प्रोसेसर क्या होता है। तो दोस्तों, प्रोसेसर मतलब जो हमारा सीपीयू रहता है, उसको मेन प्रोसेसिंग का काम जो करता है वो रहता है प्रोसेसर। यानी कि अगर हमारा एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले, तो हमारे सिर में ब्रेन होता है, वो हमारे पूरे बॉडी को प्रोसेस करता है। अगर हमारा ब्रेन शार्प हो, मतलब अच्छा हो, तो उसका प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छी तरह से होता है। ऐसा ही है दोस्तों मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। अगर प्रोसेसर ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का हो, तो वो प्रोसेसिंग हमें बहुत अच्छी तरह करता है। जैसे कि हम स्पीड, एक कहूँगा मैं, स्पीड जो है मोबाइल की वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो इसी के साथ एम आई का जो है, जो प्रोसेसर है एम आई के, वो है 435, 625, और नोट 5 प्रो में तो 636 प्रोसेसर है दोस्तों। यानी कि जैसे जैसे वो प्रोसेसर अच्छा है, वैसा ही वो उसका काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, मतलब वो बहुत ही फास्ट करेगा। यही है मेन रीज़न एम आई का, जो कि है सबको पसंद आते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से चलते हैं। यही है वो मेन रीज़न, जो कि है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम प्रोसेसर। तो एक्चुअली ये प्रोसेसर रहते हैं महंगे, जैसे कि आप बाकी के फ़ोन के अगर देखें, तो हमें 636, 625 जो प्रोसेसर है, वो हमें बाकी कंपनी के फ़ोन ले, वीवो, ओप्पो वगैरह वगैरह, तो उनके फ़ोन आएंगे हमें लगभग 20-22 हज़ार तक। तो एम आई के प्रोडक्ट्स क्यों आते हैं 11-12-13 हज़ार में, वो भी 636 प्रोसेसर के साथ? तो इसके पीछे का मेन रीज़न है दोस्तों, वो है शाओमी का जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम प्रोसेसर है। और ये स्मार्टफोन कंपनी और शाओमी के जो क्वालकॉम प्रोसेसर है, उन्होंने और शाओमी ने, ये पार्टनर कंपनी है दोस्तों क्वालकॉम के साथ, इसीलिए पार्टनर है। तो कम दाम में, चीपर प्राइस में हमें अच्छे ब्रांड्स के प्रोसेसर मिल जाते हैं, ताकि बाकी जो कंपनी है उनको प्रोडक्शन कॉस्ट देना पड़ता है प्रोसेसर का। तो यही है मेन रीज़न, जो कि एम आई के कम दाम में हमें अच्छे प्रोसेसर वाले मोबाइल, अच्छे से बहुत अच्छे प्रोसेसर हमें मिल जाते हैं। तो ये सब था प्रोसेसर के बारे में, लेकिन प्रोसेसर ही सिर्फ इसका एक मेन रीज़न नहीं है दोस्तों। इसका अगर हम और एक मेन रीज़न देखें, तो वो है इंडिया मेड, मेक इन इंडिया। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे बिग सेटअप्स है एम आई के, शाओमी के, मी के, वो फुल्ली मेड इन इंडिया फ़ोन है दोस्तों। हालांकि कोई पार्ट्स है वो चाइनीज़ यूज़ किए गए हैं, लेकिन जो मेन फीचर्स रहते हैं वो सब इंडिया के बिल्ट है दोस्तों। इसीलिए एम आई के फ़ोन ज़्यादा बिके जाते हैं, वो अच्छे टिकते भी है, क्योंकि अब तक हमने कभी सुना नहीं कि शाओमी का फ़ोन ब्लास्ट हुआ वगैरह वगैरह, और एम आई के ज़्यादा भी रिपोर्ट्स नहीं आए, बैड बैड रिपोर्ट्स कहे तो। और एम आई मार्केट कैप्चर करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसी के साथ एम आई ने जो मार्केटिंग, मतलब हम देखते हैं वीवो के, ओप्पो के बड़े बड़े स्टोर्स लगे होते हैं,
हमारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ऐसा एमआई का कौन सा भी ऐसा मार्केटिंग नहीं किया है, इसके वजह से एमआई के, शाओमी के, मी के बहुत सारे पैसे बच गए। और यही है और एक मेन रीज़न, तीसरा मेन रीज़न दोस्तों, यानी कि जो कि पैसे मार्केटिंग में लगाने चाहिए उन्होंने वो नहीं लगाए, सब ऑनलाइन प्रोसेस है दोस्तों। ये शाओमी के सारे फ़ोन्स हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, वो इसके लिए हमें अच्छे पैसे लगा के वो ऑनलाइन में मिल जाते हैं। यानी कि देखिए, मी ने बहुत सारे पैसे मार्केटिंग के बचाए हैं, इसीलिए वो हमें और एक अच्छी क्वालिटी देने के लिए एक रीज़न बन जाता है। हालांकि एम आई होम वगैरह वो अलग बात है, वो शाओमी के प्रोडक्ट्स हमें देखने के लिए एम आई होम बनाया गया है, वो मुंबई में शायद है। तो ये तीन मेन रीज़न है दोस्तों जो कि एम आई हमें बनाता है उसका फेवरेट। और मैं तो कहूँगा एम आई के फ़ोन बहुत ही बेस्ट है, बहुत बहुत ही बेस्ट है, और उसका प्रोसेसर भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि प्रोसेसर पे बहुत डिपेंड करता है मोबाइल। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन कौन है आप में से जो एम आई के फ़ोन यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।